जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल लोग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज काफ़ी लेट हो गया है तब मैं नहा रही हूँ, थोड़ी सी मेरी तबीयत वीक थी शाम से, तो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे भी आज स्कूल नहीं गए, मेरी तबीयत नहीं सही, वो लोग भी नहीं गए हैं, वो सब लगे हुए हैं ऐसे काम वाम अपना पूरा कर रहे हैं, स्कूल का जो ट्यूशन का होता है वो। तो चलिए धीरे धीरे पूजा कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हमारे बस में होती नहीं है और कुछ चीज़ें हम चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। जो बस में नहीं होती है उसमें हम संतोष कर जाते हैं, और जो हम चाह कर भी नहीं कर पाते हैं उसमें हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं और गिल्ट महसूस करते हैं कि ये हम कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं। ये चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ आप लोग आगे ब्लॉग में समझ पाओगे कि आखिर ये सब मैं कह क्यों रही हूँ। देखिए, मैं अब जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि अगर मन में अशांति होती है ना तो भगवान के पास हम जाते हैं। कुछ मिले या ना मिले, तत्काल कोई बड़ी राहत दे या ना दे प्रभु, लेकिन मन को हमारे मजबूत और शांत जरूर कर देते हैं, ये मैंने महसूस किया है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रभु के ऊपर। मंदिर हो आई हूँ, वहाँ भी पूजा कर ली है मैंने, यहाँ भी कर ली है। आज बहुत ज़्यादा मन तो मैंने नहीं जपा है, बस यूँ ही कर लिया है। जय भोलेनाथ, आपके भरोसे ही हूँ मैं। प्रॉब्लम हो गई थी मेरी बड़ी मम्मी जो थी, काफ़ी ओल्ड थी, ये नहीं कहूँगी कि क्या है, लेकिन मामा होती है, बड़ी मम्मी थी, बहुत ज़्यादा हम लोगों को मानती थी। आज वो एक्सपायर हो गई हैं, तो बस मन उदास है। कहने को तो कहते हैं कि हाँ उनकी मरने की उम्र थी, हम सभी कहते हैं जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, बहुत ओल्ड हो जाते हैं, तो हम सभी कहते हैं कि उनके लिए बहुत आराम हुआ है, उनको उनका अंत हो गया है। सब बातें सही भी हैं, लेकिन जो दिल होता है ना हमारा, अपनों के प्रति ऐसे लगा हुआ होता है कि हम अंदर से खुश नहीं रह पाते हैं। तो बस मेरी बड़ी मम्मी आज एक्सपायर हो गई हैं, वहाँ मैं जा नहीं पाई हूँ। 13वें के दिन जाऊँगी, जाती तो मैं पहुँच ना पाती, उनकी मिट्टी में लेट हो गया था काफ़ी, और गर्मी का मौसम है, इसलिए मैं सोची जब मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी तो क्या जाऊं, कर दिया जाएगा सब कुछ, उसके बाद पहुंचूंगी तो मतलब क्या होगा। तो इसलिए मैं 13वें के दिन जाऊंगी, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा दिल अजीब सा हो रहा है कि भी अपने घर में, अपनी फैमिली में, मायके में कोई प्रॉब्लम होती, वहाँ हम मौजूद ना हो, जा ना पाएँ, तो बहुत अजीब लगता है। और बहुत कुछ बातें ऐसी होती हैं फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम शब्दों से आप लोगों से नहीं बता सकते हैं कि क्या, कुछ नहीं बता सकती, बस इतना बता सकती हूँ। हाँ, मेरी बड़ी मम्मी 90-95 साल की थी, उनकी मरने की ही उम्र थी, कोई वो नहीं है, लेकिन बस मैं जा नहीं पाई हूँ, तो मुझे अंदर से बड़ा तकलीफ सी लग रही है कि मतलब मैं जा नहीं पाई, बस हो आती बस हो गया, तो इतने में ठीक होता, भले मैं 1 घंटे में चली आती, तो जा नहीं पाई हूँ, तो वो थोड़ा सा उलझन सी मुझे मची हुई है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कह पा रही हूँ, बट हाँ जा नहीं पाई हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, आंसू आ गए। हर चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, बस बिना बताए रह ही नहीं पाती हूँ, सॉरी, अगर किसी को लगा हूँ बस ये दुखड़े ही रोती रहती हूँ, सॉरी फ्रेंड्स। चलिए किचन में चलती हूँ, कुछ बनाती हूँ खाना वाना, बच्चों को भूखे। मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, खुशी ने थोड़ा सा हलवा बनाया है। बच्चे ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा समझते हैं कि हमारी मम्मी को तकलीफ़ है, पापा को या किसी को भी कुछ होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा समझते हैं, तो बस हलवा थोड़ा सा उसने बनाया, थोड़ा थोड़ा उन लोगों ने खाया, मेरे लिए भी रख दिया कि मम्मी आप भी खा लो, तो मैं भी खा के पानी पी रही हूँ, लेकिन आंसू मेरे ना नहीं रुक रहे हैं। जानते हो ये आंसू क्यों आया करते हैं? क्योंकि जब हम किसी के खास इंसान के तकलीफ में पहुंच नहीं पाते ना, तो अपने आप में ही एक उधेड़ बुन रहता है मन में कि यार हम गए नहीं, तो दिल को हम नहीं समझा पाते हैं, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बोतल भरी हुई थी, लाइट आज आई नहीं है सुबह से, तो मैं यूं ही भर के रख दे रही हूँ। ये बोल रहे हैं ठंडा हो जाएगा पानी, रख दो, क्योंकि अब आदत पड़ गई है फ्रिज का पानी पीने के लिए, तो सभी लोग मांगते हैं, बाहर भी कोई बैठ जाता वो भी मांगता है, तो भर के रखना ही पड़ता है। और मैं रो रही हूँ तो बच्चे बोल रहे हैं मम्मी आप बस अब रोना तो बंद कर दो, अच्छा नहीं लगता है, आपको जाना है तो चले जाओ, लेकिन इनको भी टाइम नहीं था, और ये बोल रहे थे लेट हो गया है, मैं भी जाऊँगा तो वहाँ टाइम से पहुँच नहीं पाऊँगा, तो रहने दो बाद में ही चलेंगे। मैंने कह तो दिए ठीक है रहने दो, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे एक अजीब सा फील हो रहा है कि हम कितनी आसानी से कह देते हैं ना अभी नहीं फिर बाद में चलते हैं। और कभी कभी मैं यही महसूस किया करती हूँ यार, जितना समर्पित हम लोग होते हैं उतना शायद अपने ससुराल में जेंट्स लोग नहीं हो पाते हैं, मानते हैं चाहते हैं सब बात है,
चलिए भाई, पत्नी है तो पति की भी मुसीबतों का हमें ध्यान देना पड़ता है। मान लो उन्हें ज़रूरी है, काम है, नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जब आप करें तभी चले जाना। यहाँ पे मैं दाल डाले दे रही हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा हलवा मैंने बताया था, कुछ ने बनाया था, तो दाल चावल बच्चों को और करेला की सब्जी हस्बैंड को यही बना दूँगी। रोटी बनाने का आज मेरा मन नहीं है, मैं काम कर रही हूँ, सारा काम मैंने सुबह से किया है, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। कुछ देर रहती हूँ फिर भवक के आंसू आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। देखिए ऐसे ही मैं करेला काट लूँगी, धुल के थोड़ा सा मैंने छील लिया है, और इसी में प्याज और लहसुन काट लूँगी इसी तरह, मतलब कच्चा ही, फिर इसे नमक से अच्छे से धुलूँगी। अक्सर करेला जब मैं भुंजिया बनाती हूँ, मतलब मैगल टाइप नहीं बनाती हूँ, कलौंजी टाइप, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है खाने में फ्रेंड्स। इसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं रहता, जो कड़वाहट होती है वो नहीं रहता है। मैंने जीरा डालने के बाद पूरा करेला, प्याज, लहसुन जो मैंने कट किया था डाल दी हूँ। इसे नमक डालने के बाद यूँ ही पका लूँगी, मतलब पूरा पक जाएगा एकदम से, तब फिर हल्दी और मसाले डालूँगी सूखा ही, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। ये देखिए दाल भी मैंने थोड़ी सी फ्राई कर दी है जीरा से, और चावल भी डाल दिया है, पक गया है। बच्चों को दाल चावल दे दूँ, करेला अभी तक पक रहा था। देखिए हम सभी खा चुके हैं, थोड़ा सा मैंने भी खाया है, ये भी खा चुके हैं, रोटियाँ मैंने नहीं सेकी। और फिर झाड़ू लगाने लगी हूँ, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि बारिश होने लगे, और बारिश होने लगती है ना फ्रेंड्स, तो जो कचरा होता है ना वो चिपक जाता है ज़मीन में, फिर हम झाड़ू कितना भी लगाएं नहीं अच्छे से साफ़ होता। और यहाँ ऐसा भी नहीं है, मेरा पीछे तरफ की प्लास्टर है, इसे अच्छे से हम धुल दें, धुलूंगी ना तो माटी निकल आएगी और थोड़ा और ज़्यादा गंदगी सी होने लगती है। तो इसलिए जब भी मुझे लगता है कि आंधी वांधी आने वाली है तो मैं झाड़ू सबसे पहले लगा लेती हूँ, और सारे काम चाहे मेरे पड़े रह जाएं, तो झाड़ू लगाने के बाद आराम करूँगी, फिर बर्तन वर्तन धुलूँगी। बर्तन धुलना है और चुनाव प्रचार चालू है फ्रेंड्स, हल्ला गुल्ला इस समय, अध्यक्ष का चुनाव होना, चेयरमैन का, हर नगर पंचायत में, तो जहां हम लोग रहते हैं नगर पंचायत में ही आता है ये, अब तो उसी का शोर शराबा है। चलिए बर्तन धुल लेती हूँ, कपड़े वपड़े मैंने पहले से धुल लिया था, तो और ज़्यादा काम नहीं है, चाय पीऊँगी बस। इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला है हमारे मोहल्ले में, हमारे कस्बे में, कि पूछिए मत। जो लोग कभी पहचानते नहीं थे, जो लोग कभी बोलते नहीं थे, वो लोग भी हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं हमें सपोर्ट करना, हमें वोट देना। इस बात पे मैं एक बात ये बोलना चाहती हूँ पब्लिक में ना फ्रेंड्स, अगर हमें ये चुनाव उनाव लड़ना है तो हमेशा जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को सब पता होता है। खैर कुछ लोग अच्छे भी हैं, देखते हैं कौन आता है। फ्रेंड्स सारा काम हो गया है, आज के ब्लॉग को और ज़्यादा मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी वीक है, और बार बार मुझे बस घर वालों की याद आ रही है। मुझे लगता है ना वहाँ सारे लोग इकट्ठा हो गए, जैसे मेरी बुआ, बहनें, पूरा परिवार, घर इकट्ठा होगा, सब लोग बातें कर रहे होंगे, देखिए थोड़ा सा होता तो है ही है ना। तो चलिए फिर मैं सोच रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड कर दूँ, मेरा मन अंदर से नहीं हो रहा है ब्लॉग कुछ खास शूट करने का। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, यही कह सकते हैं। बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स।